वेलकम बैक टू यू थ्री चीर लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा दसवीं में गणित विषय में चैप्टर 13 में एग्जाम्पल नंबर 10 को हल करेंगे, उदाहरण 10। तो आइए देखते हैं। उदाहरण 10 है हमारे पास। एक तांबे की छड़ है जिसकी हमें जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसको एक तार के रूप में बदल दिया गया। तो तांबे की छड़ है ये भी हमारे पास बेलनाकार है और तार के रूप में बदल दिया तो तार भी क्या है हमारे पास बेलनाकार। तो दोनों एक बेलनाकार जो है दूसरे बेलनाकार में रूपांतरित की गई है लेकिन इसकी लंबाई में अंतर है। तो हमसे तांबे की छड़ का व्यास दिया हुआ है, यहां पर तांबे की छड़ की त्रिज्या निकाल लेंगे हम, आर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो व्यास का आधा होता है 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद तांबे की छड़ का जब हम आयतन निकालेंगे तो लंबाई ये एच का काम करेगी 8 सेंटीमीटर। हमें बेलनाकार तार की लंबाई 18 मीटर में दी हुई है तो हम इसको सेंटीमीटर बना लेंगे। 1/18 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 18 × 100 से गुणा करेंगे 1800 सेंटीमीटर। हमें तार की मोटाई चाहिए, मोटाई का मतलब है हमें व्यास चाहिए डी, जो है डी व्यास हमें निकालना है क्योंकि हम मोटाई तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास व्यास होगा। तो व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम माना तार की त्रिज्या हम मान लेंगे आर वन सेंटीमीटर। सभी रकम सेंटीमीटर में है। अब हम क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तांब जो है तांबे की छड़, तो छड़ का आयतन किसके बराबर होगा, तार के आयतन के बराबर, क्योंकि छड़ से जो है तार बनाया गया है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। अब छड़ बेलनाकार है तो पाई आर की शक्ति 2h और तार का आयतन पाई आर वन लिया हमने इसकी त्रिज्या, तो आर वन स्क्वायर और जो लंबाई है ये एच वन लिखेंगे, लंबाई ऊंचाई का काम करेगी तो एच वन। अब पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, आर की 2 तो हमारे पास तांबे की छड़ की त्रिज्या है 1/2 × 1/2 एच 8 सेंटीमीटर है बराबर आर वन का मान हमने निकालना है, आर वन स्क्वायर इंटू एच का मान है 1800। यहाँ पर तार की लंबाई एच वन 1800 सेंटीमीटर। अब आर वन का मान निकालना है, इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 × 1/2 × 8 और ये 1800 नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 इधर यहाँ आर वन स्क्वेयर 2 × 2 = 2, 2 × 18 = 2, 0 आर वन स्क्वेयर बराबर आ गया हमारे पास 1/900। अब दोनों हमें आर वन का मान चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्गमूल, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्योंकि स्क्वेयर है तो हम वर्गमूल करेंगे तो आर वन स्क्वेयर का वर्गमूल आर वन, दो में से एक आ जाएगा, एक का वर्गमूल एक होता है, 900 का वर्गमूल तो 900 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 100। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है और सम 0 2 है तो सम संख्या यदि 0 की हो तो उसमें 1 0 आ जाएगी और 1 का वर्गमूल 1 तो 10 = 30। 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास। तो हम 900 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से और ये सीधे तरीके से हम निकाल सकते हैं तो 30 आ गया। अब आर वन का मान 1/30 सेंटीमीटर तो हमें व्यास चाहिए, तो व्यास क्या होता है 2 × त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2 × 1/30, 2 × 2 = 2, 2 से 1 कट जाएगा तो व्यास 1/15 सेंटीमीटर। तो अतः तार की मोटाई हमारे पास प्राप्त हो गई है, तार की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो आशा है यूथरिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।